तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं पावर बीआई के ऊपर। तो पिछली इस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि पावर बीआई का यूज हम कैसे करते हैं, कैसे डेटा लाते हैं, क्या होता है, चीजें समझ गए। आज हम बात करेंगे कि पावर बीआई पे हम अपना डेटा कनेक्टिविटी करते कैसे हैं, हाउ कैन कनेक्ट द डेटा। तो हमने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द डेटा है जिससे आप डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि हम डेटा कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम बताएंगे आपको कि हम डेटा कनेक्ट करेंगे कैसे, कैसे डेटा हमारा कनेक्ट होगा, ये चीज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। तो इसमें एक्सेल फाइल वगैरह है, लेकिन हम सबसे पहले बात जान रहे हैं कि मेरे पास मैं किसी एक्सेल से डेटा को लिंक नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे पास ऑलरेडी एक डेटा सेट है, उसको हम यहां पे डालना चाहते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट मतलब कि, क्योंकि हम डेटा से लिंक करेंगे, कल के डेट में मैंने वो फाइल डिलीट कर दिया या फाइल में किसी तरह का चेंजिंग कर दिया, तो डेटा पावर बीआई पे भी चेंज होने के चांसेस है, क्योंकि तो वो लाइव कनेक्ट होता है ना सर। तो हम हमारे पास एक छोटा सा डेटा है जिसको हम पावर बीआई में रखना चाहते हैं। उसके लिए आपको यहां एंटर डेटा दिख रहा है, दिख रहा है एंटर डेटा। इस एंटर डेटा पे आइए। एक है कि आप नॉर्मली यहां पे टाइप भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से टाइप भी कर सकते हैं, या फिर हमने इसको सिलेक्ट किया कॉलम को और पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें ज्यादा पेस्ट नहीं होता, आई थिंक 1000 के आसपास ही रो आ पाता है, इससे ज्यादा पेस्ट नहीं हो पाता है। इसमें आप चाहो कि कोई लार्ज डेटा रख दे तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन कभी भी क्या होता है छोटे छोटे टेबल्स की जरूरत पड़ती है हमें, उस केस में हम इसका हम यूज करते हैं। नोट कीजिए, आ जाए, छोटे टेबल्स की जरूरत पड़ती है, समरी टेबल्स की जरूरत पड़ती है, तो उसका यूज हम लोग यहां पे करते हैं। जैसे मान लीजिए ना कि आपको आपका जो ये है स्लैब वगैरह है, कमीशन स्लैब या इंसेंटिव स्लैब वगैरह है, उसकी 10-15 लाइन की डेटा है, या फिर एक टोटल समरी डेटा ऑलरेडी समरी ही आया है, उसको भी रिपोर्ट पे दिखाना है, ठीक है। टेबल फॉर्म में मान लीजिए मेरे पास ये जो डेटा मैं अभी जो आपके सामने डेटा लिया है, ये इतना ही डेटा है, छोटा ही डेटा है, और मुझे इसी डेटा को टेबल पे दिखाना होता है। तो मैं इसी को हम यहाँ पे आते हैं, मैट्रिक्स ले लेते हैं, और इसमें मैं नेम रख देता हूँ और सारे कॉलम रख देता हूँ, यह क्या मुझे इसको अपने रिपोर्ट पे इसको शो करना है। तो एंटर डेटा में आप खुद से टाइप भी कर सकते हैं, एंटर डेटा में आप खुद से टाइप भी कर सकते हैं, या फिर कहीं और से डेटा लेके आ भी सकते हैं। क्लियर है? ओके अब इसमें आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई एक्सेल फाइल है तो करेक्ट कैसे करेंगे। चलिए एक एक्सेल फाइल ढूंढते हैं। जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे देख रहे हैं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। एक्सेल फाइल से हम डेटा लेके आते हैं। हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे आए और हम अपना एक्सेल फाइल यहाँ से उठाते हैं जो फाइल मुझे चाहिए। जी हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा जिस फाइल को आप ले रहे हैं वो फाइल एक डेटा फॉर्मेट में होना चाहिए, समझे? मर्ज नहीं होना चाहिए और पहले रो से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे मैं सेल्स डेटा को ले लिया यहां से, सेल्स डेटा ले लिया, इसमें हमारे पास सेल्स है, इस सेल्स को कनेक्ट करते हैं। हमने डेटा को एक बार अपने हिसाब से देख लिया कि डेटा कैसा है। अब इसमें दो चीज आती है कि आपको लोड करना है या क्लोज करना है।
ठीक है, लोड करना है या ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म डेटा। अब ट्रांसफॉर्म डेटा क्या होता है, ठीक है, लोड करते ही आपका एक्सेल सीट ए आपका पावर बीआई में आ जाएगा। ट्रांसफॉर्म हुआ कि जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं अपने डेटा को, इसमें कुछ प्रॉब्लम अगर आपको लगे, ऐसा लगे कुछ चीज मिसिंग है या फिर कोई आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है, कुछ ऐसा करना है, जैसे मान लीजिए मुझे इसमें सिर्फ न्यू का ही डेटा चाहिए, तो आपने लोड कर दोगे तो ओवरऑल डेटा आएगा, बट मुझे इसमें से सिर्फ सिर्फ हाँ सिर्फ न्यू का डेटा चाहिए, तो हम यहाँ ट्रांसफॉर्म में क्लिक करेंगे तो सीधे हमारा पावर क्यूरी पे चला जाता है। ठीक है, पावर क्यूरी। और यहां हम जो है आप फिल्टर लगा सकते हैं, इसको सिलेक्ट किया तो ये इसको नहीं टाइप है ना, ठीक है, मैं ओल्ड को हटा के ओके कर देता हूं। अब मैं यहां से क्लोज एंड अप्लाई करता हूं, तो मेरे इस पे पावर बीआई पे सिर्फ न्यू का डेटा ही आएगा। फिल्टर हम यहां से भी लगा सकते हैं, बट यहां से फिल्टर वगैरह लगा के सिर्फ आप देख सकते हैं, आप जो रिपोर्ट बनाएंगे तो रिपोर्ट आपका दोनों पे आएगा। जैसे मान लीजिए मुझे नेम बाइज टोटल यहां चाहिए, मैंने नेम यहां रखा और मैंने यहां पे नेम बाइज, तो वो हमने गलत गलत रख डाल दिया, माफ कीजिएगा, ऐसा हटा देता हूँ, मैं सेल्स पे करना था ना, हमने नेम रखा और नेम वाइज टोटल का डेटा रखा अमाउंट, तो यहां जो चार्ट बन के आ रहा है वो सिर्फ बन के आ रहा है न्यू पे। लेकिन अगर डेटा में अगर न्यू मतलब कि सारा डेटा होता तो प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है, इसलिए यहां पे हमारा सिर्फ न्यू का डेटा है। क्लियर है जी? हाँ, पर सॉर्टिंग नहीं, फिल्टर कर चुके हैं हमने, डेटा ही फिल्टर लेके आया हुआ। ओके, तो जब डेटा इंपोर्ट करते हैं एक्सेल का तो यहां आता है। क्लियर है? तो एक्सेल से डेटा कैसे इंपोर्ट करेंगे, और अगर आप मान लीजिए कुछ थोड़ी सी फिल्टर वगैरह कुछ और करना है, पावर क्यूरी में और भी कुछ कर सकते हैं कैलकुलेशन वगैरह, जो कि आए क्लास में समझाऊंगा मैं आपको। इतना समझ में आ गया आपको? अब बात करते एक्सेल फाइल से लेकर आ सकते हैं डेटा को। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए दो शीट का डेटा है तो कैसे लेके आएंगे, अगर मान लीजिए टू शीट्स है आपके डेटा में, दोनों शीट्स लेके आना है, तो अगर दोनों डिफरेंट डिफरेंट, अब यहां पे देखिए, यहां पे एक चीज समझ लीजिए, अगर दोनों अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि दोनों शीट का डेटा एक के नीचे कॉपी पेस्ट आ जाए, तो उसके लिए हमें पावर क्यूरी का इस्तेमाल करना होगा। बट आप इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए और लोड कर दीजिए, जैसे यहाँ पे दो डेटा आ रहा है ना, ऐसे यहाँ पे दोनों डेटा शो कर जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि इसके नीचे डेटा पेस्ट हो जाए, जैसे मान लीजिए जैन 5 मार्च का डेटा है, आप क्वार्टर 1 का डेटा लाना चाहते हैं, जैन 5 मार्च तीनों एक के नीचे मूव करना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए फिर आपको नॉर्मल नहीं, आपको पावर क्यूरी पे जाके मर्ज क्यूरी और अपेंड क्यूरी की जैसे कमांड होते हैं वो कमांड लगाने पड़ेंगे, जो कि हम आगे क्लासेस में समझाएंगे आपको। बट आपको जस्ट लेके आना यहाँ पे दो तीन चार टेबल लेके आ सकते हैं और एक साथ कई सारे डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने दो ऑलरेडी कर रखा है और भी कर सकते हैं, राइट? अब चलिए डिफरेंट चीज को जानते हैं, अगली अगली टॉपिक को। मेरी इसकी कंप्लीट वीडियो सीरीज जो है पावर बीआई की कंप्लीट वीडियो सीरीज मेरे ऐप पे मिल जाएगी, तो आप लोग वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में देखिए, मेरा मोबाइल ऐप का लिंक होगा, प्लीज उसको डाउनलोड कर लें और इसकी कंप्लीट वीडियो सीरीज वहां से ले सकते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन एक आता है कि अगर मेरे पास डेटा नोटपैड में पड़ा हो तो कैसे लेके आएंगे। कैटेगरी में हम इसी चीज के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि मेरा डेटा
नोटपैड का हो तो कैसे लेके आएंगे? ठीक है सर, तो यहां पे हम टेक्स्ट सीएसवी को सिलेक्ट करते हैं एंड कनेक्ट करते हैं। अब कनेक्ट करते ही यहां आप देखेंगे कि जितने भी नोटपैड की फाइल यहां है आपको दिख रही होगी। अब ये जो दिख रहा है डेटा की नोटपैड की फाइल नहीं, ये सीएसवी की फाइल है, कॉमा सेपरेटेड फाइल है। ओके, ये आपका नोटपैड का फाइल है, तो नोटपैड दिख रहा है। तो नोटपैड और सीएसपी की फाइल जब कनेक्ट करते हैं तो देखिए आप ध्यान रखिएगा कि आपका डेटा जो है उसी डेटा फॉर्मेट में होना चाहिए, डिफरेंट फॉर्मेट में होगा तो दिक्कत हो। ओके, तो हम इस डेटा पी को लेते हैं और यहां पे ओपन करते हैं। तो जब नोटपैड की फाइल को जो लिंक करते हैं तो दो चीजें होती है, एक होता है कॉमा सेपरेटेड, एक होता है टैब सेपरेटेड। ये आपके सामने डेटा दिख रहा है, ऊपर देखिए यहां पे आपको कॉमा सेपरेटेड है, जी हाँ कॉमा सेपरेटेड, तो कॉमा है, टैब है या कोई और कस्टम साइन है जिससे आप दोनों को हर कॉलम को अलग अलग में रखना चाहते हैं। समझ में आया या दोबारा समझा हुआ अलग तरीके से? तो यहां से एक चीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आपको यहां पर प्रीव्यू दिख जाएगा, देन इसको यहां से आप लोड एंड क्लोज कर सकते। ठीक है, तो हमने इसमें एक्सेल में हमने एक्सेल फाइल को कनेक्ट करना सीखा और हमने सीखा नोटपैड को फाइल को कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आपके पास अगर एक्सएमएल फाइल है या जेसन फाइल है तो उसको भी नॉर्मली ले सकते हो। अब बात करते हैं फोल्डर। अब एक फोल्डर में मेरे पास कई सारे फाइल्स हैं, एक फोल्डर के अंदर में मेरे पास कई सारे फाइल्स हैं और मुझे उन फाइल्स को डेटा लेके आना है, बट एक के नीचे एक के नीचे एक। मैं एक बार दिखाता हूं आपको, देखिए दिखा सर 1 2 3 4 5 पांच फाइल है। अब मैं इसको अगर मान लीजिए इसको आपने लोड कर दिया तो आपका ये डेटा दिख रहा है ना सर, वही आपका लोड हो जाएगा। लेकिन मुझे तो करना है एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कॉपी पेस्ट, तो मुझे इसके लिए कंबाइंड पे क्लिक करना होगा। कंबाइंड एंड लोड पे क्लिक कीजिए, ट्रांसफॉर्म अगर करते हैं तो पावर क्यूडी में चला जाता है, तो पावर क्यूडी में जाना हो तो भी आप ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे। तो यहां पे कोई एक फाइल को सिलेक्ट कर लें, उसके सीट को सिलेक्ट कर लें, और जो जिस प्लेटफॉर्म में डेटा है ना उसी प्लेटफॉर्म का डेटा आपका एक के नीचे आपका आ जाएगा। ओके कीजिए, ठीक है, यहां देख रहे हैं सर टेबल वन पर क्या आया, ये टेबल नहीं सॉरी यहां होगा डीटी, इसमें सारे फाइल आ गए, फाइल वन फाइल टू फाइल थ्री फाइल फोर। ठीक है, हाँ फॉर्मेट होगा तभी तो आएगा, अदरवाइज तो नहीं आएगा ना सर। इससे एक फायदा है ना सर, एक फायदा है। हाँ जैसे कि मान लीजिए ना कि आपको हर दिन डेटा आता है, ठीक है, हर दिन रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट सेल मान लीजिए सेल्स का अपडेट आपको हर दिन आता है, सॉफ्टवेयर आपको भेजता है हर दिन। अब महीने में आपको क्या है कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर में मंथली एक्सपोर्ट करने का सिस्टम नहीं है, वो पर डे भेजता है आपको रिपोर्ट, और आपने सारे फाइलों को क्या है कि इकट्ठा कर लिया। अब मंथ के अंत में आपको पूरे महीने का डेटा लगा के
और ये करना है, एनालिसिस करना है कि पूरे महीने में क्या सेल्स है, क्या चीजें हैं, पूरे महीने का एनालिसिस करना है। तो आप कर सकते हैं यहाँ पे आसानी से, आपको 30 फाइल को एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना? जी हाँ जी हाँ, होता होगा ना आपके पास मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर रिपोर्ट बनाना होता है तो डेटा जो कंबाइन कंबाइन करते हैं उसे कंबाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्लियर है? बढ़े आगे बढ़ते हैं। तो हमने डेटा कनेक्ट करना सीखा एक अलग फाइल से, अब इसी तरह से आप पीडीएफ से हैं, आप पीडीएफ से भी कनेक्ट कर सकते हो इसमें फाइल में। फाइल के अंदर इस तरह से आप फोल्डर से आ गया, ऐसे पीडीएफ से ले सकते हो, लेकिन पीडीएफ एक पीडीएफ प्लेटफॉर्म में होना चाहिए, अदरवाइज नहीं कनेक्ट करेगा, राइट? तो आप इन सबों पे अगर प्रैक्टिस कर लीजिए, कल हम आगे डेटाबेस की कनेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। एक बार हाँ कनेक्ट करके देखिए, ठीक है? चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम। तो YouTube देखा किस तरीके से मैंने अभी ऑनलाइन क्लासेस ली है, आप भी मेरे साथ जूम पे आ सकते हैं, मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं, वहां पे आपको सारे क्लासेस का डेमो क्लासेस का फॉर्म मिल जाएगा, भर दीजिए, या फिर आप मेरे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, अगर ठीक लगा तो उसके अंदर कोर्सेस को भी ले सकते हैं। थैंक यू।